रांची जिले के सख्ती उपजेल में बंद विचाराधीन कैदी की बुधवार को मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी 302 के मामले में सख्ती उपजेल में बंद था और अचानक कैदी की तबीयत बिगड़ी और पेट फूलने की शिकायत पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सख्ती लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नायब तहसीलदार शिव कुमार डनसेना मौके पर पहुंच चुके हैं और पंचनामे की कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं पर परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन की लापरवाही से कैदी की मौत हुई है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा हो सकता है। जो सूचना अपने को मिली थी कि जेल में एक निरुद्ध मेघराज देवांगन जो कैदी हैं, उनका जेल में अचानक तबीयत खराब हुआ, जिसको सीएससी हॉस्पिटल सख्ती लाया गया और यहाँ डॉक्टर के द्वारा जांच करने के उपरांत उनको मृत घोषित कर दिया और अभी उनका 100 पंचनामा तैयार कर लिया गया है और पीएम के लिए भेजा जा रहा है। शरीर में किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाया गया है, बाकी अब पीएम रिपोर्ट के बाद आगे क्लियर होगा। नहीं, उनके द्वारा बताया गया कि शाम को अचानक से सांस लेने में उनको तकलीफ हुई, तबीयत खराब हुई, तो तत्काल उन्होंने सीएससी सख्ती के लिए उनको रिफ़र किया। का नाम मेघराज देवांगन है और हमको जेल में बंद था और जेल वाले यहाँ लाने में वो लोग लेट किए। अगर जल्दी आ जाता तो मेरा लड़का का जान बच जाता। आपको कैसे जानकारी मिली, कब मिली जानकारी? मेरे को 10 बजे रात के मिला है। क्या जानकारी है? कि वो सीरियस है। जेल वाले दिए जानकारी आपको? नहीं, बाहर वाले दिए थे। जेल का अभी तक मेरे को सूचना नहीं दिए हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या डाउट? मेरे को लग रहा है कि कोई माने जालसाजी है इसमें। क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ, जांच होना चाहिए इसका। अधिकारी से बात किया आप, जेल वाले क्या कुछ बोल रहे हैं? नहीं, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुआ है। रात के गए थे लेकिन नहीं, वो उठने में असमर्थ था। वो लड़के को बीमारी वाली की कुछ नहीं है? कुछ नहीं था उसको। हम लोग 7 तारीख के पेशी था, उसमें आए थे। अब आकर मैंने उस दिन तो पेशी नहीं हुआ, आज 9 तारीख के डेट दिए थे।